हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 5 मिनट में उड़द दाल की कचौड़ी कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये 5 मिनट में उड़द दाल की कचौड़ी कैसे बन जाएगी, क्योंकि उड़द दाल की कचौड़ी बनाने के लिए हमें 2 से 3 घंटे का समय चाहिए होता है। हम दाल को पानी में सोख करके रखते हैं, भिगा कर रखते हैं, फिर दाल को पीस के पिठी तैयार करके तब हम उसकी कचौड़ियाँ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उड़द दाल की कचौड़ी 5 मिनट में कैसे बनाएं। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें 1 कटोरी उड़द की धुली हुई दाल चाहिए, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ साबुत, 6 से 7 लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अगर ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो 6 से 7 डालिए, नहीं तो आप 3 से 4 लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून हींग पाउडर। फ्रेंड्स, उड़द दाल की कचौड़ी का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप साफ कपड़ा लेंगे और उस पर ये दाल को पलट देंगे और खूब अच्छे से हम इसको कपड़े पर डालकर साफ कर लेंगे, जिससे दाल में जो धुली दाल में पाउडर होता है वो निकल जाए। तो हम इसे खूब अच्छे से साफ कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये दाल हमने अच्छे से साफ कर ली, अब बिल्कुल भी इसमें पाउडर नहीं लग रहा है। अब हम इन सारी चीजों को, सारे मसालों को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक इसका पाउडर जैसा पेस्ट तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने सारी चीजें मिक्सी के जार में डाल ली है और अब हम इन्हें बारीक पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा मसाला पीस के तैयार हो गया है उड़द दाल की कचौड़ी का। इसको हमने बिल्कुल ही बारीक, ये देखिए, बारीक पीस लिया है। अब हम इनकी कचौड़ियाँ देखते हैं 5 मिनट में हम इनकी कचौड़ियाँ कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, कचौड़ी का मसाला बन के तैयार हो गया है, पीस के तैयार हो गया है। अब हम इसकी कभी भी किसी भी टाइम सिर्फ 5 मिनट में उड़द दाल की कचौड़ी हम बना सकते हैं और मेहमानों को खिला सकते हैं। कोई आए मेहमान घर पर या जब मन किया हम तब खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी कचौड़ियाँ हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तो हम इसको आटे में गूंथ कर बना सकते हैं और दूसरा हम इसकी पीठी तैयार करके आटे में भर कर इसकी कचौड़ियाँ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी आटे में गूंथ कर किस तरह से कचौड़ी बना, आटे में गूंथने के लिए हम 1 कटोरी आटे में 1 टेबल स्पून ये कचौड़ी का मसाला लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और फिर इसे गुनगुने पानी से आटे को गूंथ के तैयार कर लेंगे उसका डो, और उसे 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। फिर इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर बेलकर पूरी कचौड़ियों को फ्राई कर लेंगे और गरम गरम चाय के साथ खाएंगे। फ्रेंड्स, हम इसकी पीठी भी बनाकर इसे कचौड़ियों में आटे में भरकर भी इसकी कचौड़ियाँ बना सकते हैं। उसके लिए हमें जितने लोगों के लिए, 2-4 जितने लोगों के लिए कचौड़ियाँ चाहिए, हम उस हिसाब से मसाला ले लेंगे। 4 से 5 लोगों के लिए हम 2 टेबल स्पून ये कचौड़ी का मसाला लेंगे। इसमें बारीक कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार डालकर पानी टेबलस्पून से 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करके और ढककर रख देंगे। अगर गीला हो जाता है तो हम ये पाउडर थोड़ा सा सूखा और डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके और इसे 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये हमारी पीठी तैयार हो जाएगी और हम इसे गेहूं के आटे में या मैदे के आटे में मार के गरम गरम कचौड़ियाँ भर कर इसकी कचौड़ियाँ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कचौड़ी का मसाला हम इसे बनाकर 5 से 6 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब मन करे हम तब इसको, इसकी गरम गरम कचौड़ियाँ बनाकर खुद भी खा सकते हैं और मेहमानों को भी खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना 5 मिनट में उड़द की कचौड़ी बनाना कितना आसान। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए
और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।